अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 6 मेरे रब के प्यारे नाम सफर नंबर 23 पढ़ेंगे। मेरे रब के प्यारे नाम। असद, अरे अनस देखो ये चिड़िया का बच्चा क्यों शोर कर रहा है। अनस, ओहो उसे तो चोट लगी है, इसका पर टूट गया है। असद, कितनी तकलीफ हो रही होगी ना उसे। अम्मी, अरे क्या हुआ इस चिड़िया को। अनस, उसे चोट लगी है अम्मी। अम्मी, चलो इसको दवाई लगाकर पट्टी करते हैं। असद, अम्मी ये दोबारा उड़ तो सकेगा ना। अम्मी, इंशाल्लाह बेटा जरूर उड़ेगा, आप दोनों को इस पर बहुत रहम आ रहा है ना। अनस और असद, जी अम्मी जान। अम्मी, बेटा इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है। जिस तरह आपका इस परिंदे से कोई रिश्ता नाता नहीं, लेकिन आप फिर भी इसकी मदद कर रहे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला भी अपने बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अनस, अम्मी अल्लाह ताला अपने बंदों पर मेहरबानी कैसे करते हैं। अम्मी, बेटा बंदे अल्लाह ताला की नेमतें हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं। बंदे अपने रब की नाफरमानी करते हैं, लेकिन वो अर्रहमान फिर भी इन पर नेमतों का दरवाज़ा बंद नहीं करते। अर्रहमान मीन्स रहम करने वाला, अर्रहमान रहम करने वाला। अनस, बेटा आपने कल शरारत में अपनी कमीज खराब कर ली थी ना, अब्बू आपसे नाराज हो गए थे, लेकिन फिर दूसरी कमीज लाकर दे दी। अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे भी ज्यादा रहम करते हैं। हम पर बारिश बरसाते हैं, धूप निकालते हैं, खाने पीने को देते हैं और हमारी तमाम जरूरतें पूरी करते हैं। देखिए बच्चे, अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अब देखें, हम लोग नमाज नहीं पढ़ रहे होते हैं, पांच वक्त की कभी किस वक्त की निकल गई, कभी किसी वक्त की निकल गई, ऐसा होता है ना। फिर भी अल्लाह ताला, देखिए हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देते हैं। अब हम अपने अम्मी अबू को दिल दुखा रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, नहीं मानते ना कभी कभी बात, ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं भाई नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, अम्मी की बात नहीं मानते, चले जाते हैं, नहीं करते बात, फिर भी आप माफ़ी मांगते हैं अपने अम्मी अबू से, तो आपके अम्मी अबू आपको माफ़ कर देते हैं ना, आपको हर चीज़ ला कर भी देते हैं, आप कहते हो आपको ला कर देते हैं। तो उसी तरह अल्लाह ताला भी अपने अपने बंदों को माफ़ कर देते हैं। अपने ये तो नहीं कह आपने जो जिस मांगा तरह से आपको नहीं दे रहा, चला देते हैं ना आप लोगों को। तो इसीलिए चाहिए कि आप लोग को अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उन पर अमल करना चाहिए। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।